सिखां ने बादशाहत भी हटाई है ते सिखां ने घोड़ियां दी काठियां दे उत्ते भी जीवन बसर किया है। दोनों पक्ष आए ने और दोनों दे विचों जिहड़ा सिख दा उच्च इखलाकी किरदार है वह चल कर आए। जे सिख राज भाग ते बैठा है उहदे अंदर सच की गल है, उहदे अंदर इखलाक की गल है। इदां दी एक उदाहरण बाबा बंदा सिंह बहादुर की मिलती है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर आण के राज भाग कायम करते ने तो बंसावली नामे का करता लिखता है कि उन्होंने एक वचन कहा सिखां नूं कि राज पाए जो करे बुरियाई तिस भड़ू है अपनी अकल गवाई। कि जे कोई राज भाग प्राप्त करके बुरियाई कर रहा है ना समझ लो उन्हें अपनी अकल गवा दिती, वह मूर्खता ही कर रहा है। यह सिद्धांत सानू साडे इतिहास दे विचों मिल रहा है कि जे सिख बादशाहत का भागी बन गया है जे वह उच्च अहुदे ते बैठा है तो उहदे अंदर इखलाक होना जरूरी है। महाराजा रणजीत सिंह का राज भाग दुनिया भर के जो कि चंगे प्रबंध वाले राज भाग की गल करती है चलती है तो महाराजा रणजीत सिंह का नाम सामने आता है। किड्डी निम्रता है, कोई हंकार नहीं है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जे राज स्थापित किया है तो उदो जदों मोहरां उन्होंने जारी कीतियां ने तो उहदे विच किते अपना नाम नहीं किया। उन्होंने देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग जाफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह गुरु साहबान के नाम के उपर मोहर जारी की जा रही ने। कि हंकार अपनप नहीं है, कि नहीं है आपा भाव नहीं है, निज प्रस्ती नहीं है, पंथ प्रस्ती है। अकाल पुरख वाहिगुरु का शुकराना है। तो जे सिखा घोड़िया दिया काठिया से रह के भी जीवन बसर करना पिया है तो शुकराने के किया है। अज घर बार छड़ के घोड़िया दिया काठिया से जंगलों के रह के भुखे रह के जीवन बसर कर रहे हैं, कोई कित शिकवा नहीं है किसी तरह का भी। ए भी रतन सिंह पंगू जी ने उदाहरण बड़ी कमाल की दिती है कि सिखा के उपर ऐसा समा भी आ गया कि ना तो सिखा कोई जमीन रह गई, ना कोई जगीर रह गई, ना ही कोई शस्त्र चजदा है, ना कोई बस्त्र चजदा है। इथों तक के भुखे प्यासे वो जीवन बतीत कर रहे ने, ना दारू है, ना सिक्का, ना कोई किसी तरह का उन्होंने को दवा दारू है। कहते हैं कि सिख दवा दारू तो बिना ही अपना अकाल चलाना कर रहे ने, ऐसी हालत हो गई है। पर सिखा को एक चीज की आस है, एक ही चीज है सिखा को जेड़ी उन्हों की सुरत न चढ़ती कला दे विच रख रही है। दुख मुसीबत तकलीफा जीवन दे विच आउंदियां ने जांदियां ने, पर असल सिख हो है जिन्हों भाई गुरदास भाई वीर सिंह जी ने अपनी कविता दे विच लिखे ने कि सिखी सिखी है बलवान करना सुरत नूं चढ़ अस सद ही रखना। यही सिखी है कि अपनी सुरत नूं चढ़दी कला दे विच किवें रखना है, भावें दुख आउंदियां जांदियां रहणियां, सुख दुख दोहेदार कपड़े पहरे जाए मनुख, जिवें आपां तन नूं ढकण दे लई हर रोज कपड़े बदलदे आ, इसे तरह कदे दुख आ गया कदे सुख आ गया, इन्हें आंदे जांदे रहना, दुख तकलीफा आंदियां जांदियां रहनियां। पर सिखां ने 18वीं सदी का वह समा कि रतन सिंह पंगू लिखदा कि ना जखीरो सिंघण पास शस्त्र बस्त्र हीन सो खास, नांगे खरे और भुखे प्यासे दारू सिक्का नह कछ पासे, हाट पटन बाजार सो नाही रोगी रोगी औखद बिन मर जाही। कहिंदे रोगी सिख औखद तो बिना भाव दवा दारू तो बिना मर जांदा सी, अकाल चलाना कर जांदा सी, ऐसी हालत सी सिखां दी। पर सिखां दी चढ़दी कला की गल करदे आ वो एक गल लिखदा कि भावें यह समा सी उन्हां दे उपर पर सिखां कोल एक चीज की आस सी, गुर बचन की इनको आस जही खजाना सिंघण पास। सिंघां कोल एक खजाना सी जिदे करके वो अपने आप नूं बादशाह समझदे सन, भावें घोड़िया दियां काठियां ते गुजारा कर रहे सन पर वो अपने आप नूं बादशाह समझदे सन। क्यों? क्योंकि गुर बचन की इनको आस, गुरु दे बचना दे उपर इन्हां दी आस सी, जही खजाना सिंघण पास। गुरु दे बचना दा खजाना सिंघां कोल सी कि आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो ग्रंथ दी गल जिहड़ी एक खजाना सीगा गुरु साहिब जी द्वारा बख्शिया होया कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। बस यही गुरु दे बचना दे उपर ऐसी आस सी जिस आस ने उन्हां दी सुरत नूं कदे ढहिंदी कला विच जाण ही नहीं दिता। इथों तक जिक्र मिलता है बंसावली नामे दे विच कि भावें सिख भावें आप भुखे प्यासे रह के अपना जीवन बतीत करते सन ना, पर जदों किते प्रसादे का प्रबंध हो जाना, देग चढ़ जानी चुल्हे, तो यह नहीं कि तैयार की अपने विच वरता के खा ली छक ली, नहीं,
कहते ने कि सिंह आवाज देंदे सन, देत आवाज भुखा कोई आओ देख त्यार गुरु होई। सिखा का किरदार देखो, सिखा दे अंदर सबर किन्ना है। जे किते पहाड़ां दीआं पंदरां दे विच रहिंदिआं, जंगलां दे विच रहिंदिआं, जे किते प्रशादा नसीब हो रहा है गुरु की बख्शिश दे नाल, वो कल्ले नहीं छक रहे। वह वैरी नूं भी उच्ची आवाज दे के कह रहे ने कि आओ प्रशादा तैयार हो गया है, गुरु की देग तैयार हो गई है, जे कोई भुखा है लागे जाके तो आके छक सकदा है। यह है किरदार, इहदे विच किते स्वार्थ की भावना नहीं। यही सानूं इतिहास साडा दस रहा है। 18वीं सदी का इतिहास पढ़ के रोंटे खड़े हो जाते हैं कि इन्ना सिदक से सिखां दे विच ए सिखी सिखी।